आशिकों की एक किस्म चौधरी शुजात जैसी होती है। आपके करीब बैठकर मोबाइल में बात करेंगे, मगर मजाल है आपको मिन मिन के अलावा कुछ समझ आ जाए। आज मैंने लेस वाला गुब्बारा खरीदा और मेरी खुशकिस्मती तो देखो, उसमें थोड़े से चिप्स भी निकल आए। मुल्क में कहीं बारिश हो रही हो या नहीं, पीटीवी के मुताबिक मालाकंड डिवीजन में जरूर बारिश और बिजली चमक रही होती है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में हर वक्त दर्द मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ इसी रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल, बहुत चलेगा। जिंदगी की भाग दौड़ में अपना खास ख्याल रखें, वरना ऐसा ना हो आप पीछे रह जाए और आपका पेट आगे निकल जाए। हमारे यहाँ के देसी बच्चों को कितने भी महंगे खिलौने लाकर दे दे, लेकिन फिर भी उन्होंने पतीले पर चम्मच मार मार कर ही खुश होना है। यस डैडी। कोई चुपके से आता है, पोस्ट देखता है और चला जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तो मांगने वालों ने भी अपने बच्चों को ऐसी ऐसी दुआएं रटाई होती है कि हद नहीं। आज छोटी सी बच्ची आई और बोली, भाई 80 रुपए दे, तुम्हें अल्लाह हलीमा सुल्तान देगा। मोहब्बत हो जाए या लाई चली जाए, एक बारी तो बंदा अन्ना हो ही चल रहा है। अगर लड़की आपको घास नहीं डालती तो टेंशन मत लें, आप इंसान है खोते नहीं। जब जुकाम हो जाए तो हरगिज गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना आपका गुस्सा गुब्बारा बनकर नाक से बाहर आ सकता है। मेरी जान मेरी बात सुनो, तुम नाराज हो क्या? तुम बड़े गौर से पढ़ रहे हो, तुम मेरी जान हो क्या? प्यार हमेशा शर्मीले इंसान से करो, बच्चा कल बताऊंगी, अभी मुझे शर्म आ रही है। जो जैसा होता है दूसरों का वैसा ही समझता है। इन शॉर्ट आप सब बहुत अच्छे हैं। पत्थर की अहमियत आपको तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर आपको कुत्ता घेर लेता है। टैंकी में गर्म पानी की जो दुआ सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई है। डियर सूरज इतना क्यों तप रहे हो, क्या तुम्हें भी किसी ने ब्लॉक कर दिया है? किसी को दुखी गाने आते हैं तो सुना दो, मेरा 10 का नोट कहीं गुम हो गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बड़ी सड़ी हुई गर्मी है, घर से बाहर कम निकले। ऐ गर्मी एक बात तो बतला, क्या तू खाला के घर आई है जो जाने का नाम नहीं? क्या तेरी फूफो का कोई घर नहीं? एक मिरासी को बादशाह ने 2 तलवारें तोहफा में दी, मिरासी ने वेल्डिंग करवा के उनका चिमटा बनवा लिया। अगर बड़ी बहन माँ की तरह होती है तो छोटी बहन दादी अम्मा की तरह होती है। कभी आपने नोट किया है, हीरो को दर्द विलन की पिटाई से नहीं, महबूबा की दवाई लगाने से होता है। टीचर अखबार और रेडियो में क्या फर्क है सना? हम रेडियो में रोटियां नहीं लपेट सकते। वो टाइम जब आपको अचानक याद आता है, हाय दूध उबल गया। दरवाजे पर दस्तक हुई, मरियम कौन? फुफो। अच्छा तो अब हम कौन हो गए? वो टाइम जब शर्मिंदगी इंतहा पर होती है, जब प्लेट में आलू थोड़ा कच्चा हो और जोर आजमाई में फिसल कर सामने वाले मेहमान की गोद में जा गिरे। पढ़ाई हमसे हो नहीं रही और प्यार हमसे कोई करता नहीं। आजकल हमारी जिंदगी की सबसे अहम 2 चीजें, चार्जर और हैंड फ्री। दामाद, सुसर जी आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। सुसर बेटा, तुमने उसका हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। हमें 5 औरतों के चेहरे पर डल साबुन लगाया और 5 औरतों की शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरे पर ज्यादा रौनक थी। औरतें अगर डाकिया होती तो हर लिफाफा खुला हुआ मिलता। बाप बेटे से, आज फिर तुम्हारे टीचर की तरफ से मुझे एक लेटर आया है। बेटा आप बेफिक्र रहे, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। चलो जी, आज मैं आपको दिखाती हूँ सैलरी जो मुझे मिलती है, जो मेरे दोस्त सोचते हैं मुझे मिलती है, और जो मेरे रिश्तेदार सोचते हैं कि मुझे मिलती है। और अब जरा वो लोग हाजिर हों जो इस मौसम में भी चाय नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लड़ने से पहले कहते हैं तू हाथ लगा के देख, और लड़ाई के बाद कहते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। सियाने कहते हैं अपनी बीवी से मोहब्बत हो जाना बुढ़ापे की निशानियों में से एक निशानी है। अकलमंद औरत वो है जो अपने शोहर की खर्चे करवा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो कभी किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी ना सके। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता जनाब, कुछ लोगों की आंखों में खटकने का भी अलग ही मजा होता है। कुछ लोग खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाए। मर्द हजरात को हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वो दिल का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। आए दिन सच्चा प्यार। महबूब भी कम वक्त वहाँ पैदा होता है जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल किसी के यहाँ चले जाएं तो चाय इतने छोटे कप में देते हैं जैसे चाय नहीं पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं।
खुदा की जिंदगी में कोई ऐसा मिले जिसे पाकर मैं सब कुछ भूल जाऊं और फिर एक दिन मुझे मोबाइल मिल गया। ओह माय गॉड। और पाकिस्तानियों के आम खाने के बाद गुटले की हालत ऐसी होती है। खुदा कभी किसी को रिप्लाई का मोहताज ना बनाए।